स्टूडेंट, अभी अपने जो पिछली क्लास हुई थी उसमें अपन ने 16.4 के कुछ क्वेश्चनों को किया था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें दिया हुआ गोले का आयतन। गोले का आयतन 38,808 सेमी क्यूब और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को बताना है। अब आप जानते हैं कि आकृति किस प्रकार की है गोले की, और गोले के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपने को हल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, त्रिज्या। तो अपने को सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, त्रिज्या। तो अपन क्या करेंगे, माना कि गोले की त्रिज्या, या आप लिख सकते हैं यदि गोले की त्रिज्या आर सेमी हो, तो हम जानते हैं, क्योंकि त्रिज्या बतानी है, एक चीज लुप्त है तो उसकी जगह अपने को क्या दे दिया, आयतन। अब गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 38,808। इसकी सहायता से अपन क्या पता करेंगे, त्रिज्या। आर क्यूब बराबर क्या हो गया, 38,808 अपन 4 × 3 का चले गए ऊपर, और ये पाई। अब पाई का मान क्या होता है, 22/7 अपन ने लिख दिया। ये थोड़ा मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूं कि इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। 4 × 22 और ये 3 और ये 7 चले गए ऊपर। अब अपन इस संख्या को काटते हैं, तो 22 को जब 38,808 से काटेंगे तो 1764 बार जाएगा, और 4 से जब इसको काटेंगे तो 441। तो अपने पास आर क्यूब बराबर क्या प्राप्त हो गया, 441 × 7 = 21। अब 441 किसका स्क्वायर है, 21 का है, तो 21 × 21 × 21, और आर क्यूब बराबर क्या हो गया, 21 का क्यूब, तो आर बराबर कितना आ गया, 21 से। ये अपने को त्रिज्या प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई, त्रिज्या किसकी, गोले की। तो गोले का जो त्रिज्या है वो 21 से भी अपने को प्राप्त हो गई। अब अपने को क्या पूछा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है अपन लिखेंगे, क्या करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, 4πr² क्या सूत्र होता है, 4πr² किसका, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें रखेंगे तो 4 × 22/7 21 × 21, त्रिज्या क्या है, 21 से भी त्रिज्या के ऊपर स्क्वायर है, तो कितने बार लिख दिया अपने, 2 बार। अब जो संख्या कटती है उसको काट देंगे, 7 × 21 / 24 = 88 और 21 = 63। अब इनको गुणा कर लेंगे, तो जब आप गुणा करोगे 88 को 63 से, 8 × 24 = 2 = 26 / 48 / 52 = 4 / 4 = 5 = 55 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल है। अर्थात गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अपने को कितना प्राप्त हो गया, 5,544 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को हल करते हैं, यानी कि अपने को या तो डायरेक्ट त्रिज्या दे दी जाती है, त्रिज्या दे दी जाती है तो मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो पूछा जाता है उसके सूत्र लगाने हैं, और अपने को सूत्रों की सहायता से गणना करके जो पूछा गया वो निकालते हैं। अगर आपको त्रिज्या नहीं दी जाती है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। तो इसमें देखो, डायरेक्ट त्रिज्या न देख करके अपने को क्या दे दिया, आयतन। अब आयतन की सहायता से अपन ने क्या किया, आर का मान पता कर लिया। ये आर अपने पास 21 सेंटीमीटर आ गई, जब अपने पास आर आ चुकी है तो अपन पृष्ठीय क्षेत्र को निकाल दी। अब नेक्स्ट, अब देखो अपने को क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है बेलन की त्रिज्या, स्मॉल आर अपन ने मान ली, 4 सेमी दिया हुआ है, ऊंचाई स्मॉल एच है, 10 सेमी है, यानी कि एक तो बेलन की आकृति है, आकृति किसकी है, एक तो बेलन है, ठीक है, दूसरा गोले, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर अपन ने मानी है 2 सेमी,
कितने गोले बनाए जा सकते हैं, मतलब संख्या पूछी है। तो जो मैंने बताया था उस बात को याद करो आप कि मैंने क्या बताया था। अगर आपको मैंने बताया था अगर किसी चीज से कोई चीज बनाई जाती है, ध्यान से सुनो, किसी चीज से कोई चीज बनाई जाती है तो आयतन आपस में बराबर करके गणना करते हैं। अगर किसी चीज से संख्या पूछी जाती है, यानी कि एक चीज से कोई दूसरी चीज बना रहे हैं लेकिन कितनी बना रहे हैं, संख्या अगर पूछी जाती है तो मैंने आपको बताया था ज्यादा आयतन में कम आयतन का भाग देते हैं। तो देखो ज्यादा आयतन कौन सी है, बेलन से क्या बनाया जा रहा है, गोले। तो एक जगह क्या है, बेलन है बड़ा, उससे छोटी छोटी क्या बनाई जा रही है, गोलियां बनाई जा रही है, गोले बनाए जा रहे हैं। तो बेलन के आयतन में किसका भाग देंगे, गोले का आयतन का। अब बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अपने को आर और एच की आवश्यकता है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। गोले का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वो भी आर चाहिए अपने को, तो आर अपने पास है। तो अपने को कोई चीज निकालनी नहीं है, अपने को डायरेक्ट क्या बताना है, संख्या बतानी है। तो संख्या बताने के लिए आपके पास, तो देखो क्या करना है, गोलों की संख्या, ज्यादा आयतन किसका है, बेलन का। तो बेलन का आयतन बटे एक गोले का आयतन, जो अपन ने माना है यहां लिख सकते हैं। यदि बेलन की त्रिज्या स्मॉल r तथा ऊंचाई स्मॉल h सेमी में है, सेमी तथा गोले की त्रिज्या कैपिटल R से हो तो क्या सूत्र बन जाएगी गोलों की संख्या के, बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच बटे गोले का 4/3 पाई आर क्यू। किसका आयतन का सूत्र है, ये गोले का आयतन का सूत्र। अब R क्या है इसमें, कैपिटल है, तो अपन यहां क्या लिखेंगे, कैपिटल। देखो ये कैपिटल मान रखा है R, तो अब अपन जो संख्या कट रही है उसको काट देते हैं, पाई से तो पाई कट गया। अब जो अपने पास मान है वो रखेंगे, R देखो इसमें कितनी है, 4 इकाई सबकी सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो क्या आ गया ऊपर, दो 4 × 4 एच कितनी है 10 बटे 4/3 आर इसकी कितनी है गोले की, देखो 2, कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 2 × 2 × 2 ये 3 कहां चले जाएंगे ऊपर, क्या बन जाएगा 4 × 4 × 10 और गुणा में 3 बटे 4 × 2 × 2 × 2। तो देखो 4 से 4 कट गए, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 2 कट गए, और ये कितनी बार कट गए, 5 बार, और अपने पास क्या आ गया 5 × 3 = 15 गोले। यानी कि इस बेलनाकार जो आपकी आकृति है उससे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 15 गोले बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन 3 ही प्रकार के बताए थे मैंने, एक तो सूत्र पर आधारित, एक अगर किसी चीज से कोई चीज बनाई जाती है आयतन बराबर कर देंगे, अगर संख्या पूछी जाती है तो ज्यादा आयतन में कम आयतन का भाग दे देते हैं। ज्यादा आयतन किसका है, जैसे इस क्वेश्चन में बेलन का, तो बेलन का आयतन बटे एक गोले का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें आर और एच अपन ने स्मॉल मानी है, स्मॉल लिख दिया, इसमें अपन ने कैपिटल मानी है गोले में, तो कैपिटल लिख दिया। इस बात का ध्यान रखना है, जो अगर मान लीजिए स्मॉल, इसको भी स्मॉल मान लिया, इसको भी स्मॉल मान लिया, तो जैसे पाई पाई कट गया वैसे आर आर भी कट सकता है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये अपन ने मान रख करके इसकी गणना की, तो अपने पास कितने प्राप्त हुए, 15 गोले। अब नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, खोखला गोल सेल, ये गोल सेल दिया हुआ, मतलब इसमें 2 त्रिज्याएं होंगी, गोला है लेकिन उसमें 2 परत है। तो इस प्रकार से हमें इसका
वर्थ के हिसाब से बना रहा हूं। इस प्रकार से यह है, दो त्रिज्याएं हैं इसमें, जैसे सेकेंडरी वर्थ है ना उस प्रकार से यह गोला है। तो इस गोले की अगर बात करें तो जो बाह्य त्रिज्या होती है, जो बड़ी त्रिज्या है R1, कितनी है 8 से भी। अब जो अंदर वाली त्रिज्या, ये जो गैप है ये वाला, ये मोटाई इसकी दी हुई है 2 से भी। तो बार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो अंदर की त्रिज्या R2 कितनी होगी 8 माइनस कम होगी, अंदर की कितनी कम होगी, जितनी मोटाई है उतनी कम होगी, तो मोटाई कितनी है 2, तो कितनी आ गई 6 से। दोनों त्रिज्याएं अपने पास आ गई, R1 8 सेमी है, R2 6 सेमी है, और गोले को अपने को त्रिज्याई चाहिए। क्या चाहिए अपने को? त्रिज्या। तो अपन लिख सकते हैं, यदि प्रश्नानुसार यदि गोले की बाह्य त्रिज्या R1 सेमी तथा आंतरिक त्रिज्या गोलीय सेल है, गोलीय सेल, तो गोलीय सेल की बाह्य त्रिज्या R1 तथा आंतरिक त्रिज्या R2 हो तो इसमें लगी धातु का आयतन, धातु का आयतन। अब आपको बताया कि आयतन का जो सूत्र होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसमें दो गोले हैं, एक अंदर गोला है ये वाला, एक बाहर गोला है, तो दोनों का जो अंतर होगा वो इस धातु का अंतर होगा, क्योंकि अंदर भी जगह खाली है बाहर भी बाहर ही। तो जो इनमें जो धातु लगेगी वो कहां लगी हुई है? यहां लगी हुई है धातु ये। तो इस धातु का जो अगर अपने को निकालना है तो बड़े में से छोटे का आयतन घटा देंगे, तो दो गोले हो गए, एक की त्रिज्या R1 है और एक की त्रिज्या R2 है, तो बड़े वाला मतलब बड़ी त्रिज्या, तो 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस छोटा मतलब छोटी त्रिज्या 4/3 पाई R2 का क्यूब। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है इनमें, 4/3 पाई कॉमन आ गया और अपने पास क्या बच गया आर R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। अब R1 और R2 अपने पास हैं, उनका मान रखेंगे, तो देखो 4/3 गुणा 22/7 पाई का मान 22/7 हो गया, और R1 का मतलब कितना है 8 का क्यूब, और R2 का मतलब 6 का क्यूब। अब अपन देखते हैं 4/3 गुणा 22/7 8 का क्यूब करेंगे, 8 गुणा 8 गुणा 8 तो कितने हो गए 512 माइनस 6 का क्यूब करेंगे 6 गुणा 6 6 6 36 36 कितना हो गए 216। बाकी निकालेंगे तो कितना आएंगे 4/3 गुणा 22/7 512 में से 216 आप निकाल सकते हो, 512 माइनस 216 12 6 और यहां क्या हो गया 10 1 9 कितने बच गए 296। अब जो संख्या कट रही है उसको काट देते हैं, तो देखो ये कट रही है क्या, देखिए 7 से देखते हैं 7 और 28 नहीं कट रही है, 3 से देखो 15 2 17 नहीं कट रही है, इधर भी नहीं कट रही है, तो अब इनको गुणा कर लेंगे तो क्या हो गया 88 को गुणा करना आपको 296 से, और 21 का उसमें क्या देना है भाग देना है। अब इनको गुणा करते हैं तो देखो 296 को 88 से गुणा करते हैं 48 4 72 4 76 7 16 17 18 19 20 21 22 23 और वो के वो आ गए 8 6 3 2 8 8 6 14 6 3 9 1 10 3 9 2 5 3 6 और कितने हो गए ये 2 26 0 48 26 0 48 में
भाग देंगे 21 का। अब इसमें अपने को 21 का भाग देना है, तो 21 से कम 21, या आप आराम से भाग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप देख लो 21 से कम 21 कितने बच गए, 5, अगली संख्या 0, 21 दूनी 42, कितने बच गए 8, अगली संख्या 4, तो 21 चौक 84, अगली संख्या 8 नहीं जा रहा 0, यहां क्या गया 0 और ये 3, ये 8 भाग टूट की ये दशमलव लगाया तो 0 आ गया, तो क्या गया 3 बार 63, और लग तो 1240.3 लगभग सेमी क्यूब, आयतन पूछा है तो क्या गया सेमी क्यूब, तो 1240.3 सेमी क्यूब, इसमें जो गोले में लगी धातु का क्या गया अपने पास आयतन आ गया। तो इस प्रकार से अपन देखो, आपको जब सेकेंडरी वर्क का था तब भी मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये गोलीय सेल का क्वेश्चन है तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो त्रिज्याएं, आयतन का सूत्र आप सभी जानते हैं 4/3 πr³ होता है, अब त्रिज्या इसमें दो है, दो गोले हो गए, तो पहला गोला बड़ा दूसरा गोला छोटा, बड़े का मतलब बड़ी त्रिज्या, छोटे का मतलब छोटी त्रिज्या, तो इस प्रकार से बड़ी त्रिज्या 8 सेमी थी, तो इसमें गोली कोष की जो मोटाई थी 2 सेमी थी, 8 में से 2 गए कितने बच गए 6 सेमी, तो R1 कितनी हो गई 8 सेमी, R2 कितनी हो गई 6 सेमी। अब ये अपन ने मान लिया कि बाह्य त्रिज्या R1 है, आंतरिक त्रिज्या R2 है, अतः धातु का गोले का आयतन ये सूत्र हो गया, और इसमें पाई कॉमन आ गया तो क्या बच गया 4/3 πr³ − r² 4/3 π का मान क्या हो गया 22/7, अब 8 का क्यूब हो गया 6 का क्यूब हो गया, 8 का क्यूब 512 हो गया और 6 का क्यूब 216 हो गया, इनमें बाकी निकाले तो कितना आ गया 296, डायरेक्ट ये करते नहीं इनको गुणा किया, ये गुणा करके मैंने यहां बता दिया आपको 26048, इसमें 21 का भाग दिया कितना आया लगभग 1240.3, आगे भी अपन भाग दे सकते हैं लेकिन कोई आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपन ने किया है, अब अपन अगले जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार क्वेश्चनों को देखना है, कम से कम क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इतने क्वेश्चन तो आप डेली पढ़ सको, 2-4 क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं वो इसीलिए बताए जाते हैं कि आप में थोड़ी रुचि पैदा हो, एक साथ ही मान लीजिए मैं 10-10, 15-15 क्वेश्चन करने लग गया तो आप में हो सकता है कि कुछ रुचि की कमी आए, तो बार बार मैं ये कह रहा हूं कि पढ़ो 2-4 क्वेश्चन पढ़ो डेली, लेकिन उनको कंठस्थ करो, कोई भी समस्या आती है कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे से आराम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।